उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अलग अलग शुक्र है, अलग अलग करम है, माशाल्लाह से ठीक है। तो एक वीडियो ये पहले वो देख लेते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम आलोक है और मैं चाहता हूँ कि आप एक रैप सॉन्ग पर रिएक्ट करें जिसका नाम है फॉरगिव मी। एंड इनके जो सिंगर है वो एमसी इंसान है। एंड भैया ने बोला था कि ऐसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी, आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। ये मेरी सिस्टर हैं, कपड़े सिल रही हैं फिलहाल तो। ओके, सो प्लीज रिएक्ट जरूर करना। तो थैंक यू सो मच यार कृष्णा यार, वीडियो भेजने के लिए बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो भेजी। बाकी आपने बोला कि यार मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तो आपने ये बोला कि भाई ओनली वीडियो रिक्वेस्ट, क्योंकि यार अगर हम ये ना बोलते तो आपको हम कैसे देख पाते। हमारा मकसद ही यही है भाई वीडियो मांगने का कि भाई आपको हम देख पाए, क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बोट्स हैं, क्योंकि स्पैम पे स्पैम के प्लीज रिएक्ट ऑन दिस सॉन्ग, प्लीज रिएक्ट ऑन दिस सॉन्ग। तो मुझे ऐसा लगता है बोट्स है, इंसान नहीं है जो हमें देखते हैं। तो इस वीडियो रिक्वेस्ट से यही पता चलता है कि भाई हमें कोई देखने वाले हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो देख के, थैंक यू सो मच। बाकी आपकी सिस्टर को हमारा बहुत सारा प्यार और सलाम दीजिएगा। तो आपने जो रिक्वेस्ट की वो है कि एमसी इंसान का सॉन्ग है जिसका नाम है फॉरगिव मी, तो आप चाहते हैं कि हम उस पर रिएक्शन करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन बिना डैमेज के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हर वीडियो का रिव्यू एंड में करते हैं। बातों को फिर मैं किया राइमिंग, क्या मैं बंदा था खराब या खराब थी ये टाइमिंग। न धूप आई आज और अब बारिश भी रुकी है, जान देने की आज मैंने कोशिश फिर से की है। चमड़े का ये घर इसकी सोल जा रही है, कुछ है भी इसके अंदर तो ना बोल पा रही है। इसी तरह फिर से याद बहुत आ रही है, तेरी ख्वाहिश हुई पूरी शायद मौत आ रही है। तुझे पता भी नहीं ये कहानी कैसी हो रही है, तू खून करके मेरा अपने हाथ धो रही है। तूने बहुत किए वादे पर निभाया ही नहीं, कहती आऊंगी मैं कल वो कल आया ही नहीं। कहते जाओ जिसे दिल से वो जरूर आएगा, बदनसीब हूँ मैं मेरा वो पल आया ही नहीं। मेरा बंधन है एक तुझ से वो मैं करता हूँ महसूस, मैं बस तेरे साथ रहता हूँ तो रहता हूँ मैं फूस। तेरे बाद ना किसी को है ये प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे ये बता कि तूने मुझे क्या ही बनाया, क्या के मुझे अपना तूने कर दिया बराया। आया तुझसे दूर खुद को यही है समझाया, कि जो देता सबको जन्म उसने कफन भी बनाया। सुनता हूँ मैं सबकी अब मैं किसी से भी लड़ता नहीं, माँ बाप चाहते जैसा मेरे बन पाया वो लड़का नहीं। मर जा जल्दी से तू ऐसा सुनता हूँ मैं कानों में, यूं ही मेरी जिंदगी कटी है इन्हीं तानों में। मैंने माँ को मेरी देखा उनको पापा ने मारा, वो ना जेल पाई ज्यादा तो गले में रस्सी मारा। मैंने वक्त पे पहुँच
नमाज मारे ताली। जिस दिन होती थी लड़ाई उस दिन खाना भी नहीं बना, भूख बहुत लगी पर हम सोए पी के पानी। तुम जानते नहीं हो मेरी अलग है कहानी, मैं बचपन से नहीं बोला तभी चीखे ये जवानी। मैं कहने गया कुछ भी मेरे बोली को दबाया, मेरे पापा से मैं दिल की बातें कभी कह ना पाया। हालत बने ऐसे सपने टूटे बुरी तरह, मैं हो चुका था तभी से ही पागल पूरी तरह। फिर गुस्सा परिवार ने बच्चों पे उतारा, मुझे जो भी देखता था पहले कहता था बेचारा। मैं किसी का भी कभी अच्छा दोस्त ना बन पाया, मेरा आया जन्मदिन पर कोई दोस्त ही नहीं आया। जो भी हुआ जैसा मैंने डर के है मनाया, परिवार के ही डर से किसी को भी ना बुलाया। जब भी देखता हूँ टीवी में कहानियाँ मैं दोस्तों की सोचता हूँ, काश आज भी तू मेरी दोस्त होती। किसी से भी इतना ज्यादा बोला नहीं है आज तक, कभी खुद को इतना ज्यादा खोला नहीं है आज तक। तो माफ करो अगर कभी कह दिया हो ज्यादा, आजादी मिली जब से थोड़ा हिल गया। वैसे तो नहीं है कोई भी रिश्ता अब हमारा, पर पता नहीं क्यों मन को मेरे ऐसा लगता है कि एक बार तो इस बंदे को तू देखेगी दोबारा। अफसोस आज भी मैं यूं ही बैठूंगा अफसोस में, न होगा कोई कामयाब आज मेरी खोज में। बैठा मेरे कमरे में और लाइट्स कर दी बंद, अब मैं बीट नहीं कुछ छोड़ लेने लगा है भी टोस में। ना कोई है कहने को कि ये ज्यादा हो रहा है, जिसके लिए करता ये सब तू उसी को खो रहा है। तेरे लिए मेरा दिल यारा बहुत रो रहा है, हमें जीना चाहता हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा है। ये भाई अपनी स्टोरी बयान कर रहे थे कि भाई कैसे मैंने इतने दुख देखे बचपन में और तुम भी छोड़ के चली गई हो। लाइन इनकी जो थी ना बहुत कमाल थी, क्योंकि यार जो बंदा बचपन से ही दुख देखता है ना, आगे जाके अगर उसे किसी लड़की से या लड़के से प्यार होता है तो फिर वो उसी को सब कुछ मानता है। हाँ। और अगर वो छोड़ के चला जाए तो भाई, फिर भाई उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है, दुनिया उजड़ जाती है, जान निकल जाती है। जैसे कि वो बोल रहा था मैं जी नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल तबाह हो गया, लौटा माफ कर दो। कमाल का सॉन्ग था। एक एक लाइन जो थी ना यार गूज़बम्प दे रही थी। बाकी जो अपनी फैमिली की स्टोरी इन्होंने बताई वो भी यार कमाल थी, कमाल की थी। मतलब पूरे फील से इन्होंने सॉन्ग लिखा है और गाया अगर इनके रियल लाइफ पे। और ये सॉन्ग मैंने सुना है, ये क्या मैंने इनके सब सॉन्ग सुने हैं भाई, ये एक तरह से मेरे फेवरेट रैपर हैं। मैं फर्स्ट टाइम इनको सुन रही हूं। हाँ, क्योंकि भाई इनकी इनके जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें लिरिक्स होते हैं, उनमें जो है मतलब सच्चाई होती है, और ऐसा नहीं होता कि एक ही लफ्ज को बार बार दोहराए बार बार। हर लाइन एक दूसरे से चेंज थी, ये नहीं था कि भाई सेम या वही रिपीट होगी बार। हाँ, तो ये है कि भाई इनके और भी सॉन्ग्स हैं काफी कमाल के। इनको जो है इमो रैपर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। इंडिया में, और देखा शुरू में दिखाया मतलब पूरे सॉन्ग में इन्होंने चप्पलें नहीं पहनी हुई थी। इनके काफी सारे सॉन्ग्स हैं जिनमें जो है इन्होंने चप्पलें नहीं पहनी हुई, वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं इमो बॉय। यार तो भाई दर, अगर आप इनके और भी सॉन्ग सुनना चाहते हैं हमारे साथ तो कमेंट लाजम कीजिएगा। हाँ। इनके सॉन्ग्स जो आपको पसंद है वो हमें जरूर बताइएगा कि आप भी ये सॉन्ग सुने आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ। बाकी यार बंदा कमाल है, वॉइस भी कमाल थी, म्यूजिक भी आला थी। हमने काफी रैपर सुने हैं लेकिन यार ये जो
इनकी आवाज में जो दर्द था ना, वो दर्द किसी रैपर पर में सही बात है। खैर गाइस, हमारा रिव्यू यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो हमारे वीडियो में फीचर होना तो यार ऐसी वीडियो भेजे और अपनी ख्वाहिश का इजहार करें। हाँ। जैसे कि भाई कृष्णा ने भेजी कि हम इस वीडियो पे आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, ऐसी वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टा पे भेजे, मैं आपको जरूर फीचर करूंगी अगली वीडियो में। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज।